अलग अलग कमांड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए, जो काम आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 के ऊपर सिंपली करते हैं उसको कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और यही काम आपको एसक्यूएल में भी करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो हम आ जाते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो आप सिंपली यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं और यहाँ से जो भी डेटाबेस का नाम देना हो वो दे करके फिर यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जब क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा आता है, जब ऐसा आ जाएगा तो यहाँ व्यू पे जाते हैं और फिर डिजाइन व्यू पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये काम हमें नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें क्वेरीज लिखनी है। कैसे लिखेंगे, तो इसको पहले ऑफ कर देंगे, ऑफ करके हम यहाँ क्रिएट पे चलते हैं और क्रिएट पे चल के सीधा आ जाते हैं क्वेरी डिजाइन पर। ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ आ जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्या, एसक्यूएल मिल जाता है, बस यहीं पर आपको आ जाना है, ठीक है। ये दिख रहा है ना एसक्यूएल, बस यहीं पर क्लिक कर दीजिए। जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आएगा, अभी हमारे पास कोई भी टेबल नहीं बनी हुई है, ठीक है, लेकिन हम टेबल बनाएंगे और कैलकुलेट भी करेंगे। कैसे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिएट। क्रिएट एक कमांड है, ठीक है, जिससे कि टेबल बनती है, और टेबल क्रिएट टेबल, ये क्रिएट टेबल एक कमांड है जिससे कि टेबल बनती है। फिर टेबल का नाम देना है, तो जो भी टेबल का नाम देना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्कूल, ये हो गया स्कूल, ब्रैकेट ओपन किया। और यहाँ पर अब क्या देना है, यहाँ पर अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फील्ड्स नेम देने हैं, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं रोल नंबर, तो ये हो गया रोल नंबर, और यहाँ पे ये इंट डेटा टाइप होगा, कॉमा देंगे, और रोल नंबर के बाद यहाँ पे क्या दे देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, तो ये एक और हो गया, स्टूडेंट्स कर दिया हमने, स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर हम दे देते हैं सेक्शन, एस ई सी टी आई ओ एन, सेक्शन दे दिया। लेकिन कहीं भी हमने यहाँ पे एक ही जगह डेटा टाइप, अब नेम ऑफ स्टूडेंट का भी तो डेटा टाइप मेंशन होगा, तो यहाँ पर आपको डेटा टाइप देना होगा, बिना डेटा टाइप दिए जाएंगे तो एरर आएगा। तो यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप दे देते हैं, तो वेयर कैर दे देते हैं। कैर और वेयर कैर के बीच में डिफरेंस मैंने क्लियर किया था आपको, कि कैर मेमोरी को रिलीज नहीं करता है, जबकि वेयर कैर मेमोरी रिलीज कर देता है, यही दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको भी क्या रख देते हैं, इंट ही रख देते हैं, और इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ से टर्मिनेट कर देते हैं। और टर्मिनेट जैसे ही करेंगे तो ये आपका कोड हो गया, और यहाँ से रन करवाना है इसे। रन करवाते ही आप देखेंगे यहाँ स्कूल नाम की टेबल बन गई है, देख सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ ये बना हुआ है, लेकिन हमको यहाँ से रिकॉर्ड तो इंसर्ट ही नहीं कराना है। इसको सेव कर देते हैं, और इस क्वेरी को भी सेव कर देते हैं, स्कूल क्यू के नाम से इसे सेव कर देते हैं, एस सी एच ए डबल ओ एल स्कूल क्यू, स्कूल क्यू स्कूल क्वेरी, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दिया, अब हमको क्या करना है, एक और क्वेरी बनानी है, तो यहाँ से क्रिएट पे चलते हैं और फिर वही की क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से एसक्यूएल पर चलेंगे, और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, टेबल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, स्कूल है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसमें कोई फील्ड ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ अल्टर कमांड चलाएंगे, ठीक है, अल्टर और टेबल का नाम, अल्टर टेबल और टेबल का नाम देना है, तो अल्टर टेबल का नाम क्या है, अल्टर स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल नाम का टेबल है, तो अल्टर टेबल स्कूल कर देंगे, एस सी एच डबल ओ एल, एंटर करके नीचे आएंगे और एड कॉलम, सी ओ एल यू एम एन, कॉलम, तो यहाँ कर दिया है एड कॉलम, और यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, कंप्यूटर का मार्क्स यहाँ आएगा, तो ये ऐड कर दिया कॉलम, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, तो इंट रखेंगे हम, और इसको बंद करके टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ से इसे चलाएंगे, ठीक है। यहाँ से जब चलाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर टेबल भी लिखना होगा, टेबल छूट गया, ये टी ए बी एल ई अल्टर टेबल। अब देखिए ये जब रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा और इसमें एक कॉलम जुड़ भी जाएगा, तो ये रन हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्यूटर भी ऐड हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ऐड आप करवा सकते हैं, इसमें जो भी सब्जेक्ट ऐड करवाना चाहें इसमें आसानी के साथ करवा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर के बाद हमें यहाँ पर मैथ्स भी ऐड करवाना था, तो यहाँ पे सिंपली केवल लिख दीजिए एम ए टी एच एस मैथ, तो यहाँ पे मैथ्स भी ऐड हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से पहले टेबल को क्लोज कर दीजिएगा, देन यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाके इसे चला दीजिएगा, तो चला दिया, तो यहाँ पर डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये मैथ्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर अब हम साइंस कर देते हैं, एस सी आई ई एन सी ई, साइंस हो गया, और फिर यहाँ से इसे चला देंगे, ठीक है। ये चलाएंगे तो यहाँ क्वेरी डिजाइन पे जाके रन पे क्लिक करेंगे,
तो रन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये साइंस भी ऐड हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट हो गए, बल्कि तीन सब्जेक्ट हो गए देख सकते हैं, लेकिन इसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं हुए हैं। तो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवाने के लिए हम चाहे तो एक और क्वेरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ। हटाने से ये नहीं होगा कि वो पुराना वाला गायब हो जाएगा, वो फिर भी रहेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसमें इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, इंसर्ट इन टू, इंसर्ट कमांड चलाएंगे। और कौन से टेबल में इंसर्ट कराना है, तो स्कूल वाले टेबल में। तो SCHOOL स्कूल लिख दिया हमने, ब्रैकेट को ओपन किया। अब देखिएगा जरा फील्ड नेम इसमें कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे फील्ड नेम आप देख लीजिए, रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, ये तमाम जो फील्ड नेम्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले तो रोल नंबर कर देते हैं, तो यहाँ पे ROLL _ नंबर, तो रोल नंबर हो गया, फिर कॉमा दे देंगे, क्योंकि डेटा टाइप तो ऑलरेडी डिसाइडेड है पहले से ही। तो यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, सीधा कॉमा दे देना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। दूसरा फील्ड है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जैसे लिखा हुआ नेम ऑफ स्टूडेंट्स वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे NAME नेम _ ऑफ _ स्टूडेंट्स, STUDENTS नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा करके सेक्शन दे देंगे, SECTION, ठीक है, SECTION सेक्शन हो गया। सेक्शन देने के बाद यहाँ पर क्या करना है, कंप्यूटर मैथ्स और साइंस देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा लगा करके दे दीजिए, कंप्यूटर कॉमा मैथ्स MATHS मैथ्स कॉमा साइंस SCIENCE साइंस, ठीक है। ये सब दे देने के बाद आपको एंटर करके सिंपली आ जाना है नीचे, और यहाँ पे आप वैल्यूज डाल लेनी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने डाला, और यहाँ पर देखिएगा वैल्यूज की स्पेलिंग सही लिखिएगा, यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया, तो ये यहाँ पे आपको बिल्कुल सही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि रोल नंबर को हमने प्राइमरी की नहीं बनाया है, ठीक है, तो रोल नंबर डुप्लीकेट हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वन कर दिया रोल नंबर, और स्टूडेंट का नाम सिंगल डॉटेड कॉमा में अनूप लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे सिंगल डॉटेड कॉमा को क्लोज करके फिर यहाँ पे सेक्शन, तो सेक्शन यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है डेटा टाइप, उसको देखना होगा। तो यहाँ पे सेक्शन का जो डेटा टाइप है, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने नंबर ले रखा है, तो नंबर अब तो चेंज करना पड़ेगा, ये तो गलती हो गई ना, तो ये तो चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी तो ज़रूरत नहीं अभी, अभी तो पहले हमें इसको चेंज ही करना है। तो चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो डेटा टाइप चेंज करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे अल्टर कमांड चलाना है, लिखना है अल्ट। तो अभी बात करेंगे कि इसको हम क्यों ना डिलीट ही कर दें, यानी कि ये जो हमारे पास टेबल बनी हुई है, इस टेबल में से जो हमने फील्ड डाली है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सेक्शन जो फील्ड हमने डाली है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। वैसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिलीट करने जा रहे हैं, यानी इसे हटाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉप कॉलम COLUMN, और कॉलम का नेम यहाँ पर देना है, यानी सेक्शन, सेक्शन हो गया, और यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए। तो क्या ये डिलीट हो जाएगा ये लिखने से, तो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर अब इसको चलाते हैं, तो यहाँ से क्वेरी डिज़ाइन पे जाके, और यहाँ पर ये रन वाला बटन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हो गया। अब जब इस टेबल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन वाला कॉलम नहीं दिखाई देगा, लेकिन अब ऐड भी करना है तो यहीं पर आकर के हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे अब ऐड के लिए, तो यहाँ लिखेंगे ऐड COLUMN, ठीक है, COLUMN ऐड कॉलम, फिर कॉलम का नेम, तो यहाँ पे सेक्शन है तो ये सेक्शन दे दिया, और सेक्शन देने के बाद यहाँ पे क्या रख देंगे, तो यहाँ पे इस बार मैं कैर डेटा टाइप रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ कैर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैर रखा है हमने, साइज हमने 4 दे दिया, और यहाँ पे टर्मिनेट किया है, और यहाँ पर इसको क्लोज करके देन यहाँ पर इसे चलाने की बारी है। तो क्वेरी डिज़ाइन पे जाके यहाँ से रन पे क्लिक करना होगा, और रन पे क्लिक करते ही हमारा काम हो गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सेक्शन आ गया है, और अब जबकि हम इंसर्ट इनटू यूज़ करेंगे तो काम हमारा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इंसर्ट इनटू, यानी इंसर्ट कमांड यूज़ कर रहे हैं, और किस में इंसर्ट करना है, तो स्कूल वाले टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। अब एक एक को इंसर्ट करते चलेंगे हम। तो पहला क्या है देख लीजिए, रोल नंबर है, जिसका डेटा टाइप शायद देखिएगा कि फील्ड का नेम सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर रोल _ नंबर कर दिया, जैसे लिखा गया है ना बिल्कुल वैसे ही लिखना है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे ही, और नेम ऑफ स्टूडेंट्स कर देना है फिर हमें, तो यहाँ पे कॉमा देकर के नेम _ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखने के बाद फिर कॉमा देना है, और कॉमा देकर के क्या करना है, यहाँ पर कंप्यूटर फिर मैथ्स ऐसे करके लिखना है, तो ये हो गया कंप्यूटर, फिर हो गया कॉमा मैथ्स MATHS
TH, मैथ्स हो गया। फिर यहाँ पर अगला जो है वो देना है हमें, तो यानी कि यहाँ पर देना है साइंस और फिर सेक्शन देना है। तो यहाँ पे SC, यहाँ पर SCIENCE, साइंस की स्पेलिंग बिल्कुल वही लिखनी है जो हमने वहाँ पे दिया है, यानी टेबल बनाते समय दिया है। और फिर यहाँ पे सेक्शन दे देना है, तो ये हो गया सेक्शन। ठीक है, ये हो गया सेक्शन। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेक्शन हमने दे दिया। अब इसको बंद करके नीचे आएंगे और अब बात करेंगे यहाँ पर वैल्यूज की। तो यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज, और फिर यहाँ पे रोल नंबर 1 है, स्टूडेंट का नेम है, सिंगल ट्रेड कॉमा में लिखिएगा RAM राम, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाइएगा, फिर यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स, यहाँ पर जो भी मार्क्स देना है यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। तो ये ना तो सिंगल ट्रेड कॉमा में रहेगा ना तो डबल ट्रेड कॉमा में, क्योंकि ये नंबर है तो जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा। हाँ, सेक्शन को आपको सिंगल डॉटेड कॉमा में रखना है तो रख सकते हैं, डबल डॉटेड कॉमा भी यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं। अब इस टेबल को क्लोज करना है और अब इसको रन कराना है यहाँ से क्वेरी डिजाइन से जाके, फिर यहाँ से रन कराना है। तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रोज, तो यस कर दीजिए और आप देखेंगे तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आप अन्य रिकॉर्ड भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर अब रोल नंबर 2 करना है, तो यहाँ पर रोल नंबर 2 कर दिया। ऐसा नहीं है कि पहला वाला हट जाएगा, पहला वाला भी रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेरी में मैं अगला लिख रहा हूँ, तो ये हो गया श्याम, तो यहाँ पे हमने श्याम लिख दिया। और मान लीजिए कि इस बार इनका सेक्शन बी है, मार्क्स सेम है, तो ये सेक्शन बी कर दिया हमने और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको चला दिया। तो फिर ये कहेगा यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो, तो अब 1 रो अपेंड हो चुकी है इसमें। कैसे, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए श्याम, जैसे हमने रिफ्रेश किया तो श्याम भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, इनके मार्क्स भी इंसर्ट हो चुके हैं और सेक्शन भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से क्वेरीज लिखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी।